सो ही गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के हम बात करेंगे जयपुर कविता की टीम के बारे में, जो कि इस वीडियो में जयपुर कविता की टीम को एनालिस करने जा रहे हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मोस्ट होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा, क्योंकि इस वीडियो में जयपुर कविता की टीम को हम देखेंगे, इनके स्ट्रेंथ वीकनेस और स्क्वाड पर भी नज़र डालने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और फिर बताते हैं। सीजन वन के चैंपियन ने नीलामी के दौरान बहुत अच्छे मतलब रेडर को अपनी टीम में शामिल किया और बेहतरीन रेडर को शामिल किया है इस बार के लिए। 2014 में पहली बार वीवो प्रो कबड्डी का आयोजन हुआ था और उस आयोजन में वीवो प्रो कबड्डी का खिताब पहली बार जयपुर कविता की टीम ने जीता था। हालांकि तब से लेकर अब तक उन्हें दूसरे टाइटल का इंतजार है और नीलामी के दौरान जयपुर कविता की टीम ने नौवें सीजन के लिए बहुत अच्छे खिलाड़ी को चयन किया है, अपनी टीम में शामिल किया है। तो सीजन की शुरुआत से पहले हम आपको बताते हैं क्या इनकी स्ट्रेंथ हो सकती है और क्या वीकनेस हो सकती है। तो आइए इनकी स्ट्रेंथ पर हम नज़र डालते हैं। तो क्या इस सीजन के लिए इनका स्ट्रेंथ हो सकता है? जयपुर कविता के पास कई दमदार रीडर हमें देखने को मिल रहे हैं, जो कि रीडिंग विभाग इनका बहुत ही अच्छा हमें देखने को मिल रहा है इस सीजन के लिए। जयपुर कविता ने इस नीलामी के दौरान बहुत अच्छे रीडर को शामिल किया, जैसे राहुल चौधरी और वी अजीत कुमार, जो कि एक बेहतरीन रीडर हैं। इन दोनों को अपनी टीम में शामिल करके रीडिंग विभाग बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना चुकी है और पिछले सीजन के जबरदस्त प्रदर्शन करने वाले अर्जुन देसवाल को भी रिटर्न कर लिया था ऑक्शन से पहले, जो कि पिछले सीजन में बहुत शानदार प्रदर्शन दिखाते हुए इन्होंने 267 रेड पॉइंट बनाए थे। हालांकि इनके अलावा राहुल चौधरी को भी अपनी टीम में शामिल किया है, जो कि पीकेएल इतिहास के सबसे सफल रेडरों में से एक राहुल चौधरी भी हैं। इनको अपनी टीम में खरीदा है और राहुल चौधरी के लिए भले ही पिछला सीजन काफ़ी खराब रहा था, लेकिन उनके पास जो अनुभव है जयपुर काफ़ी अहम साबित हो सकता है, जो कि राहुल चौधरी बहुत ही एक्सपीरियंस प्लेयर हैं। ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते थे, लेकिन पिछला सीजन इनका 2-3 सीजन बहुत खराब था, लेकिन इस बार अच्छा प्रदर्शन करेंगे ऐसी उम्मीद होगी जयपुर कविता की टीम ने। और इनके अलावा मतलब वी अजीत कुमार को भी अपनी टीम में शामिल किया है, जो कि वी अजीत कुमार बहुत अच्छे रेडर हैं, बहुत शानदार परफॉर्मेंस करते हुए पिछले सीजन नजर आए थे, जो कि युम्बा की टीम में ये थे, जो कि युम्बा ने इनको रिलीज कर दिया था और जयपुर कविता की टीम ने इन पर मतलब अपनी बोली लगाते हुए अपनी टीम में शामिल किया है, जो कि जयपुर कविता ने एक अच्छा डिसीजन लिया था ऑक्शन में इनको अपनी टीम में शामिल किया। इन्होंने 159 रेड पॉइंट प्राप्त किए थे पिछले सीजन। कुल मिलाकर इस सीजन के लिए जयपुर कविता की टीम की रेडिंग डिपार्टमेंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग हमें नज़र आ रही है। तो आइए इनकी वीकनेस पर नज़र डालते हैं, क्या वीकनेस हो सकता है? पैंथर का रेडिंग डिपार्टमेंट भले ही हमें मजबूत दिखाई दे रहा है, लेकिन डिफेंस में उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जयपुर कविता टीम ने ऑक्शन से पहले इन तीन खिलाड़ी को रिटर्न नहीं किया था, रिलीज कर दिया था। अमित हुड्डा, संदीप धूल और विशाल को रिटर्न नहीं किया था इन तीन खिलाड़ी को, और इस बार डिफेंस की सारी जिम्मेदारी सुनील कुमार और साहुल कुमार पर होगी, जो कि साहुल कुमार ने पिछले सीजन इसी टीम से खेले थे और शानदार प्रदर्शन दिखाया था। इन्होंने टोटल 18 मैच खेले थे, जिसमें से 45 टैकल पॉइंट भी किए थे और इस बार भी उनसे अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी। हालांकि सुनील कुमार और साहुल के अलावा डिफेंस में कोई अनुभवी खिलाड़ी हमें नज़र नहीं आते हैं, जो कि इन दोनों पर सारी जिम्मेदारी होगी, तो डिफेंस इनका कमजोर नज़र आएगा और रेडिंग डिपार्टमेंट बहुत ही मजबूत हमें देखने को मिलेगी। तो इनके स्क्वाड पर अगर नज़र डालते हैं तो यहाँ पर डिफेंडर में हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पर सुनील और यहाँ पर साहुल कुमार इनके मेन डिफेंडर ही होने वाले हैं और दीपक भी एक बेहतरीन परफॉर्मेंस, वो भी इतना मतलब अनुभवी प्लेयर नहीं है, लेकिन वो भी खेलेंगे फिक्स है, वो भी स्टार्टिंग से हमें नज़र आने वाले हैं। तो यहाँ पर डिफेंस में हमें उतना कोई एक्सपीरियंस प्लेयर हमें देखने को नहीं मिलते हैं, जैसे यहाँ पर लकी शर्मा, उसके बाद हमें सारे अनुभवी प्लेयर ही नज़र आ जाते हैं, जो कि रेजा हैं वो भी डिफेंडर हैं और लकी शर्मा भी हमें डिफेंस में नज़र आने वाले हैं, तो स्टार्टिंग सेवन ये दोनों भी नज़र आएंगे। इनके अगर रेडिंग डिपार्टमेंट पर नज़र डाले तो रेडिंग डिपार्टमेंट इनका बहुत ही मजबूत हमें देखने को मिलेगा, जो कि वी अजीत कुमार, उसके बाद राहुल चौधरी और अर्जुन देसवाल, ये तीन मेन रीडर इनके होने वाले हैं, जो कि राहुल चौधरी इस बार अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे ऐसी उम्मीद करती होगी जयपुर कविता की टीम, और वी अजीत कुमार अच्छा परफॉर्मेंस ये तो करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर आप मतलब यंग खिलाड़ी को भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर नितिन पनवार हैं और यहाँ पर और भी नवनीत हैं, ऐसे प्लेयर भी हमें देखने को मिल जाते हैं। तो कुल मिलाकर मतलब इनकी टीम इस सीजन
मतलब बैलेंस हमें टीम लग रही है जो कि अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है इनकी टीम, जो कि रेडिंग डिपार्टमेंट इनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग हमें लग रहा है। तो यहाँ पर इनके स्ट्रेंथ वीकनेस और स्क्वाड पर भी नज़र डाले हैं, जो कि इस सीजन दमदार प्रदर्शन कर सकती है जयपुर पैंथर्स की टीम। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।